फ्रेंड्स आज आम क्लास रे कौन पढ़ाक जीवा ना पोस्ट हड़प्पान साइट्स माने परवर्ती हड़प्पा सभ्यतार स्थल मानक विषय पूर्ववर्ती क्लास रे आम मैच्योर हड़प्पान साइट्स रो जो 10टा कि 11टा स्थल था ता विषय विशद भाव आलोचना कर दीजिए आम एवं पोस्ट हड़प्पान साइट्स विषय पढ़ा बुझाला। तो क्लास को स्टार्ट करने पूर्व जदि चैनल को नुआ आई आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करदे ठीक अच्छे। एवं क्लास को जीवा नोट्रे कौन लिखा ना पोस्ट हड़प्पान साइट्स रो प्रथम साइट्र ना है कौन कटेलेई कटेलेई एक्सकाभेटर किए थे किए आपको उत्खनन करते कौ मैंने ना यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर एंड पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कौन कहला जो पाकिस्तान गोटे यूनिवर्सिटी अच्छी विश्वविद्यालय अच्छी तार पेशावर और ता सहित पाकिस्तान गवर्नमेंटर जो प्रत्नतात्विक विभाग रहा से दुईज मिसिकी तार मेम्बर मैंने मिसिकी ये कटेलेईर उत्खनन कार्य करते ये कटेलेई कौ रिभर नदी पाखे अवस्थित ताला स्वात नदी पाखे अवस्थित आर लोकेशन ठिकना कौटी ये पाकिस्तान देश में अवस्थित बुझेगा। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स आपको उत्खनन करवा द्वारा आमको कौन कौन मिलला प्रथम मिलला इट वाज ए ग्रेवयार्ड ग्रेवयार्ड मान जो श्मशाना को कहते जो मरी जा लोक मटी में पोता जाए ग्रेवयार्ड कहते तेणु कटेलेई गोटे प्रकार कौन थी ना श्मशान था बुझेगा। ब्रोंज मॉडल ऑफ हॉर्स हॉर्स मान घोड़ार एक ब्रोंज मूर्ति भी आम कटेलेई ठारे देखा मिली तापर हॉर्स बॉडी विथ ह्यूमन ये भी बहुत बड़ माने डिस्कवरी थी जी कौन ना आम पूर्व क्लास रे कौन पढ़ते ना कोटी गोटे जगह रे मनुष्य सहित छेली मानक पोता जाता कौटी पाई जी मनुष्य सहित आमको कुकुर भी गोटे पोता थी देखा मिलता कौटी ना रोपाड़े सेमती कटेली आम कौन देखा मिलता ना मनुष्य सहित गोटे घोड़ार भी शब देखा मिलता मानते मनुष आ घोड़ा दुटाक गोटे कबर में पोताई थे बुझाला से कौटी देखा मिलता ना कटेलेई रे बुझाला। ता परवर्ती पोस्ट हड़प्पान साइट ना कौन दी ना मांडी मांडी एक्सकाभेटर आपको उत्खनन कार्य किए करते ना लोकाल भिलेजर्स इन 2000s ये कौन कहला ना उत्तर प्रदेश गोटे छोट गाँ था ना है मांडी सेठाकार समय कौन ला ना 2000 मसीह गोटे साधारण लोकर जो बिलबारी थी से बिलबारी सी जितने मटी जो लेबलींग करता से लेबलींग कला बेले से ट्राक्टर लेबलर पाखे गोटे मैंने कौन बाजिला जो गोटे सुनार बड़ जार भितर खाउड़े बहुत गुड़ाए सुना मुद्रा पशिता गोटे जार सहित तार जो लंगल मुनटा बाजिला सी तर उत्खनन कर लोक मानक जनइला जे मो जगार कौन मिलला ना सुनार कतक जार मिलला तेणुक जो पाखर जी सब लोक मैंने थे सब से जगह को गले से जगह पूरा लोक मान माड़ पिटा पूरा चलला बुझिपाल मानने मानने कौन सी कौन मिलला से ध्यान ना कि कौन सुना मिलला बोली लोक मूरा माड़ पिटा चलला परवर्त समय जो पुलिस को खबर मिलला पुलिस आसला से जगह को सीज कलापर आर्कियोलोजिस्ट मैंने जाठार उत्खनन कार्य कर विषय आमको जानक मिलला कि बास्तव में आर प्रथम एक्सकाभेटर मैंने किए थे ना लोकाल भिलेजर्स ही थे बुझिपाल मैंने गाँव रो बासीदा थे से मांडी प्रथम उत्खनन कार्य करते बुझेगा। तो ये मांडी कौ नदी कूल अवस्थित सी है जमुना नदी कूल अवस्थित आ लोकेशन कौटी ना भारत राज्य जो उत्तर प्रदेश अच्छी से मांडी ये गोटे छोट गाँटे बुझेगा। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स यहाँ को मैंने उत्खनन कर कम मिलला ना लार्जेस्ट होड ऑफ एंशिएंट ज्वेलरी ये कौन कहला लार्जेस्ट होड मैंने पूरा बड़ बड़ जार भितर पूरा बहुत बहुत मानते टकर 10 किलो 20 किलो एमती पूरा कौन ज्वेलरी मानने आम जो आभूषण रहा मानते सुनार रूपार ये सब मानने सब अलंकार सब देखा मिलता कौटी ना मांडी बुझेगा। तो मिंट हाउस मानने तो उत्खनन कारी मैंने उत्खनन कले से जो सब एत पर सब आभूषण अलंकार सब पाइले से अनुमान कले यार बोध हुए हड़प्पा सभ्यतार जो मुद्रा छापार जो थाए हाउस मुद्रा छापार जो फैक्ट्री थाए बोध हुए मांडी बोधे से बुझेगा मान या मुद्रा घर था ये बहुत गुड़ा समय रूपा मुद्रा हो जो सुना मुद्रा हो अधिकांश मिलता बुझेगा तेरे को मांडी को कहुए मानने जो ये हड़प्पा सभ्यतार मिंट हाउस बुझेगा मैंने मुद्रा छापा घर भी कहुए क्या मांडी को बुझेगा। ता परवर्ती साइट्र ना कौन पढ़िया ना आलमगीरपुर आलमगीरपुर एक्सकाभेटर उत्खनन कार्य किए करते ना वाई डी शर्मा करते के मसीह ना 1969 मसीह आलमगीरपुर कौ नदी कूल अवस्थित ना हिंडन नदी कूल अवस्थित लोकेशन कौटी आर भी लोकेशन है उत्तर प्रदेश में बुझिपाल। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मैंने कौन कौन मिलला ना रोटी रोलिंग बोर्ड आम जो रोटी घरे आम बेलू रुटी जो घरे बेलू से रुटी बेलार जो बेलना पेड़ी थाए जोटा कहती जो बोर्ड थाए से रोटी रोलिंग बोर्ड से आमको कौन मिलता ना आलमगीरपुर पाखे यहाँ इंपोर्टेंट मैंने मन रखा। कॉटन क्लॉथ माने जो ये रहा जो कॉटन रो जो कपड़ा थाए
तार भी आमको झलक मिली कौटी ना आलमगीरपुर पाखे ये इंपोर्टां पॉइंट बुझाला। स्क्वायरल पेंटेड पोटेरी स्क्वायरल मैंने जो आम रहा गुंडीची मूषार चित्र अंकित होता केतक मटी हाँ भी देखा मिलता कौटी ना आलमगीरपुर पाखे। परवर्ती सैट्र ना कौन ना सिनोउली सिनोउली एक्सकाभेटर किए थे उत्खनन कार्य किए करते ना डी शर्मा एंड एसके मंजूल केत मसीह ना 2005 बुझाला। कौ नदीकूल अवस्थित ना गंगा यमुना दुआब मझा मझी अवस्थित दुआब मानने दुईट नदी मध्यवर्ती अंचल को दुआब कहती सेमती जो सिनौली था सी गंगा और यमुना नदी मझा मझी पड़े सिनौली बुझाला। लोकेशन कौटी ये भी उत्तर प्रदेश पाखे अवस्थित आर्कियोलोजिकल फाइंड्स आपको उत्खनन करवा द्वारा आम कौन कौन मिलला ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड जो सिनौली था मानने मना जाए ये पृथ्वीर सर्व मानने सबुठ बड़ समाधि स्थल क्या कहते ना सिनौली बुझेगा। एक्सकावेशन सब आर्टिकल हुई आर रिलेटेड टू महाभारत आम जो महाभारत युद्ध होता जो कुरु आ जो पंचु पांडव मध्य जो होता युद्ध से युद्ध समय जो सब यूटिलाइज होता किसी अस्त्रशस्त्र बोध हुए कि जो महाभारत समय जो सब आमको मिले मटी हाँ रहा कि अलग कौन सामग्री आमको ये सिनौली ठारे देखा मिलता कौटी ना महाभारत केतक जिनस आमको सिनौली उत्खनन कार्य मिलता। हॉर्स ड्रोन चैरियट हॉर्स ड्रोन चैरियट मैंने ये गोटे रथ देखा मिलता जो रथ को साधारण को मैंने घोड़ा मैंने टाणु अनुमान कराए तार गोटे अवशेष कौट मिलता ना सिनौली उडेन कफिन स्टैंड्स ऑन फोर उडेन लग्स ये कौन कहला जो कफिन मैंने जो थी कवर था से जो काठर कवर थाए से कवर साधारण कौन था ना तार चारिटा गोड़ था बुझीपाल मैंने साधा सीधा कवर नुहे तार किसी गोड़ न तो सेमती नुहे से गोटे काठ कवर था काठ कवर भी चारिटा गोड़ था बुझाला। रॉयल बोरियल साइट जेहेतु ये गोटे वर्ल्ड सब बड़ समाधि स्थल कह जाए यह भी आमको केतक रॉयल बोरियल साइट मैंने जो आम राजकीय लोक थे मैंने समाज से राजकीय लोक राजकीय लोक केतक जगार से समाधि दिखाला बुझीपाल मैंने राजा लोक राजा कि राजा भाया जो मैंने लोक थे सब से दिहला कौन समाधि कौटी ना सिनौली ठारे बुझाला। तापरवर्त सैट्र ना कौन ना रोजदी रोजिदीर एक्सकाभेटर किए थे किया उत्खनन करते साधारण गुजरात स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी जो गुजरात प्रत्नतात्विक विभाग रहा गवर्नमेंट तार केतक मेम्बर मैंने आसिक रोजिदी को उत्खनन करते ये कौन नदीकूल अवस्थित ना भदार नदीकूल अवस्थित लोकेसन कौन कौटी ना गुजरात जहाँकि भारत पश्चिम राज्य बुझाला। तापर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स यह कौट खोलें कौन मिलला ना इट वाज ए फार्मर्स विलेज बिकज देयर वाज नो साइंस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ये कौन कहला ना जितने रोजिदी को उत्खनन कराला से देखा मिला जे सेठारे कौन प्रकार मानने जो इंडस्ट्रियल कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज नाला मैं इंडस्ट्रियल मैंने कौन जिनस हो नाला बुझीपाल मैंने जमी रहा आम जो पढ़ते काली बंगान पढ़ते तरह कौन पढ़ा ना बेंगल फैक्ट्री था सीटी चूड़ी या फैक्ट्री लगुता जमी बालाकोट पढ़ते सीटी कौन पढ़ते ना पर्ल फिनिश गुड्स पढ़ते बालाकोट कौन मिले ना आम जो मोती या जिनस होता बुझाला। सेमती रोजिदी जो मिलता सीटी कौन मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज मैंने किसी जिनस होता बुझीपाल तेणुक जो उत्खनन कारी थे से अनुमान लगे इट वाज ए फार्मर्स विलेज जेहतु सेठार किसी या जिनस हो ना तेणुक ये बोधे बहुत ग्रामीण सभ्यता था और साधारण एठार बोधे जो आम कृषक रही से कृषक मैंने चाष मानने घर कर रही थे मैंने गरीब श्रेणी गाँव था। एलिफेंट रिवेंज यहाँ बहुत बड़ इंपोर्टेंस पॉइंट कौन ना ये हाथी मानकर जो हाथीर अवशेष देखा मिली बुझे काली मंगान आम पढ़ते कौन ना ओटर अवशेष मिली सुरकाटोड़ा आम कौन पढ़ते ना सुरकाटोड़ा घोड़ार अवशेष मिली एमती आम रोजिदी में कौन मिली ना हाथीर अवशेष देखा मिली बुझेगा। तापर हाउस बिल्ड ऑन स्टोन फाउंडेशन विथ मड वाल्स एबव देम ये कौन कहला जो घर या ये घर में कौन प्रकार इटार व्यवहार हो ना बुझेगा तार जो तलटा जो आम जो निय रहा फाउंडेशन रहा सीटा पथर से या होता आज कांथ गुरा कौन तो इटार व्यवहार मैंने जान ना तेणुक यहाँ कौन कांथ कौन या होता कांथ जो मटी चकोटी कादु करी कादुएर बता फता दे कि बोधे जो आम पुराणा काल गाँव देखी थो बता देखकर कादु नेसिकी जो कांथ तैयारी कराए सीमित टाइप रंथटा देखा मिलता कौटी ना रोजिदी में नो ब्रिक्स वायर फाउंड मुझा कहली कौन प्रकार मटर पोड़ा इटा होगी मानने जो खरा सुखा इटा हो सेपरी कौन इटार किसी व्यवहार कौट मिले ना रोजिदी में देखा मिले ना बुझेगा। नो वेल्स बाथिंग प्लाटफर्मस एंड द आसोसीएटेड स्ट्रीट ड्रेन्स वायर फाउंड आईदर आम कौन करते
हड़प्पा सभ्यतार पाखापाखि सबु स्थळरे आमको कौन मिले ना कूअ देखा मिले बाथिंग प्लाटफर्मस मैंने जो गोटे स्नान कर गोटे गोटे स्थान थाए घर भितर कि गोटे पब्लिक बाथिंग हाउस भी थाए आउ ता सहित आसोसीएटेड स्ट्रीट ड्रेन मैंने जो आम घर जो सब आवर्जना अलिया जावाई गोटे गोटे ड्रेन भी से खोल मान खनन करते कौ मैंने हड़प्पा सभ्यतार लोक मैंने कि रोजीति आमको कौन कूअ भी देखा मिले कि बाथिंग प्लाटफर्म मैंने स्नान करने कौन स्पेशल घर भी देखा मिले कि आसोसीएटेड ड्रेन मैंने कौन प्रकार अलिया आवर्जना पा जावाई कौन ड्रेन भी एटार देखा मिले कहीं बोध हुए यहाँ गोटे फार्मर भिलेज था से अनुमान कराए बुझेगा मैंने यहाँ गरीब श्रेणीर गाँव था आईटर अधिकांश कृषक मैंने रही थे तेणुक एम सब अधिकांश आडभांस नए बुझीपाल तेणुक रोजदी में आमको एगुरा सब देखा मिले बुझेगा तापर लास्ट साइट विषय आम पढ़ा कौन ना रंगपुर रंगपुर एक्सकाभेटर किए थे ना एसआर राव थे जी कि 1953 मसीह यहाँ एक्सकाभेट करते यह कौ नदीकूल अवस्थित ना भदार नदीकूल अवस्थित लोकेशन कौटी ठिकना कौटी ना गुजरात राज्य बुझेगा आर्कियोलोजिकल फाइंड्स यार खोलें कौन मिला ना लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लांट रिमेन्स आर फाउंड यार कौन मिला ना आम जो रंगपुर को उत्खनन कलु से आमको बहुत गुड़े वृक्षर अवशेष देखा मिलता है यहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ परीक्षा पढ़ाता पड़ो कौ हड़प्पा साइट में आमको अधिकांश परिमाणर वृक्षर अवशेष देखा मिलता है रंगपुर जहाँकि गुजरात अच्छे तापर राइस एंड मिलेट वेयर फाउंड ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट जे कौटी आमको राइस मैंने धान जो भूसी थाए तार भी अवशेष देखा मिलता है सहित मिलेट मैंने बाजरा भी बाजरार दाना भी अवशेष देखा मिलता कौटी ना रंगपुर ठारे बुझेगा तापर हाई नेक जार ये जो जार मैंने यूज करते रंगपुर में सी साधारण उच्च बेक विशिष्ट मानते तार जो बेक रिजन टाला जो जार मानक जार बहुत लंबा लंबा था बुझेगा रंगपुर स्पेशल कैरेक्टर था जी हाई नेक जार बुझेगा तो आज टोटाली आम जो पोस्ट हड़पान साइट सब जी छा कि सतटा साइट था आम कम्प्लीट पढ़ीचे आईटा था आमर जो मेजर हड़पान साइट लास्ट वीडियो लास्ट पार्ट तेणुक मुशा कर सबूत ये नोट को भल भाव लिखी देते एक्जाम कौटी भी तुम क्वेश्चन पचार हुए प्री हड़पान साइट कौन मैच्योर हड़पान साइट्स कौन पोस्ट हड़पान साइट्स कौन तापर आम विशद भाव में आलोचना करे नोट भी भल भाव प्रिपेयर करे आम ये नोट की लिखिदेव आ सीपीईटी सीयूईटी परीक्षा एक्जाम जो तुम बोझ तेरु जिते बड़े क्वेश्चन आसो जहाँ भी आसो टिक मार्क करके आसवे मुझे ये आशा करुच्ची आज रखुच्छी ये भिडियो को कारण परवर्त क्लास में आम कौन पढ़ा ना जो षोलो महाजन पद था विशद भाव आलोचना करवा आई होप यू रियली एंजॉय द क्लास वंदे मातरम।